ऐसा लगता है जैसे इन मोहल्लों का शोर कानों में गुनगुना रहा है। इनकी खास महक अभी तक मेरे जहन में बसी हुई है। इसी तरह के एक मोहल्ले में मेरा बचपन गुजरा था। कॉलेज में पढ़ने लगा तो रोज दोस्तों के साथ माणिक मुल्ला के यहाँ अड्डा जमाया करता। माणिक बाबू बड़े ही दिलचस्प आदमी थे। हमसे उम्र में कुछ ही साल बड़े थे, इसलिए हम उन्हें गुरु समान समझते थे। माणिक बाबू अकेले रहते थे। रेलवे मेल सर्विस की नौकरी में काफी समय खाली रहता, और खाली समय नौजवानों की आदत होती है। नौजवानों की क्या, सभी की आदत है कि घुमा फिरा कर बात वहीं राजनीति पर ले आते, और राजनीति से जी उब जाए तो प्यार मोहब्बत के चर्चे ही सही। प्रेम के बारे में कहानियों और कविताओं का माणिक बाबू के पास भंडार था। चाहे कागज पर उन्होंने कभी कुछ न लिखा हो, लेकिन सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। प्रेम में खरबूजा चाहे चाकू पर गिरे, चाहे चाकू खरबूजे पर, नुकसान हमेशा चाकू का होता है। अतः जिसका व्यक्तित्व इस चाकू की तरह तेज और पैना हो, उसे हर हाल में इस उलझन से बचना चाहिए। लेकिन जहां तक साहित्य का प्रश्न है, प्रेम कहानियां ही सब में सफल होती हैं। अतः कहानी में रोमांस का अंश होना जरूरी है, लेकिन आम जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 10 बरस ऐसा होते हैं जब हम प्रेम करते हैं, और उन 10 बरसन में खाना पीना, आर्थिक संघर्ष, पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, मित्र गोष्ठी, सिनेमा, इन सब से जब टाइम बचत है तब ही तो हम प्रेम करते हैं। तो फिर लव की कहानी काहे लिखी जावे। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है तुमने? उन्होंने लिखा है, मेरे मन के अंदर एक विरहनी नारी बसी है, और यही नारी अपनी कथा कहा करती है बार बार, तरह तरह से। जानते हो, विरहनी नारी भी कई भांति की होती है। अनूढ़ा विरहनी, उड़ा विरहनी, मुग्ध विरहनी, लज्जित विरहनी, प्रौढ़ विरहनी। मुल्ला को नारी एसोसिएशन है क्या? क्या कहा? कुछ नहीं। क्यों बे? मेरे कमरे में बैठकर दूसरों की किताबें पढ़ता है। देवदास, लिजलिजी बकवास, न कोई निष्कर्ष न सुझाव। एक अच्छी प्रेम कहानी समाज के लिए कल्याणकारी होनी चाहिए। क्यों, समाज कल्याण का प्रेम से क्या संबंध है? तुम लोग प्रेम के बारे में जानते क्या? प्रेम महज रोमानी, रहस्यमय और अत्यंत निजी भावना नहीं है। उसकी नींव आर्थिक व्यवस्था पर स्थापित है। वर्ग संघर्ष पर इसका आधार है। वर्ग संघर्ष? बड़ी दूर की सूझी मुल्ला भैया। अरे लेक्चर पिलाने के बजाय अपनी शैली में कोई प्रेम कहानी ही सुनाते। मेरी शैली की प्रेम कहानी? इस कहानी का शीर्षक नमक की अदायगी। हमारे घर के बगल में एक पुरानी कोठी थी जिसके पीछे छोटा अहाता था। अहाते में गाय बंधी थी, घर में लड़की, लड़की का नाम जमुना था। कितनी बार कहा है कि अपने गाय का नाम मालूम नहीं। वो तेरी माँ समान है। मेरी किताब लाए? और तू समझता है वो तेरी कुछ भी नहीं? रामखोर, तन्ना, ए तन्ना, क्या हुआ? हमें माँ की बहुत याद आ रही है जमुना। बहुत दयालु थी क्या तुम्हारी माँ? बिल्कुल तुम्हारी तरह। थक, ऐसा नहीं कहते। हमारा क्या होगा जमुना, तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है हमें। तुम्हें भूख लगी है? मालपुए लाओ, ठहरो।
जमुना, ये मालपुए कहाँ ले जा रही है? ये तो प्रसाद है। देख छोरी, तन्ना से तेरा मिलना जुलना ठीक नहीं। अब तुम दोनों बच्चे नहीं रहे, सियाने हो गए हो, ब्याह की उम्र हो गई है। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि तन्ना के बाप से बात करो, लड़का भला है। ओहो, लड़का भला है लेकिन खानदान तो बुरा है। राम जाने उस मनहूस घर में इतना हीरे जैसा बेटा कैसे पैदा हुआ, और फिर कुल उनका नीच गोत का है, लड़की कैसे देंगे? मैं शादी किसी और से नहीं करूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तन्ना से। तेरी कसम मां, मैं मर जाऊंगी पर शादी किसी और से बिल्कुल नहीं करूंगी। आखिर जमुना के माँ बाप को हर माननी पड़े। अब कहते हैं तन्ना घर जमाई बन कर रहे, और वो तो दहेज भी नहीं देने वाले। पागलपन, जैसे महेश्वर मान जाएगा वो और दहेज ना ले, और फिर अपने इकलौते बेटे को छोड़ देगा हाई स्कूल से। मानिक, गैया को रात की रोटी दी? भाभी सवेरे देकर जो आया मैं, कल परीक्षा है, पढ़ूंगा कब। तू अच्छी तरह जानता है उसे सुबह शाम दो जून की रोटी देनी है, वरना ब्रेड टूट जाएगा। जा रसोई से रोटी ले और अभी दे आ। जा। परीक्षा में फेल हो गया तो मुझे दोष मत देना। जमुना नहीं, हमें नहीं जाना। आओ यहाँ बैठो, हमसे बातें करो। मानिक, बहुत अकेली हो गई हूँ। क्या बात करूँ? कुछ भी। स्कूल के बारे में सुना हूँ। कुछ और? फिर क्या? कोई मजे की बात। जमुनिया, कल परीक्षा है तो अब कौन रात गई है? बैठो, हमें जाना है, भूख लगी है। भूख लगी है? हाँ। बैठो, मैं अभी आई। खाओ, आज माँ मंदिर गई है भागवत सुनने। मीठे पुए अच्छे नहीं लगते। अच्छा, बेसन के नमकीन पुए पसंद है तन्ना की तरह? हाँ। अच्छा, कल तेरे लिए भी बनाऊंगी। कल आएगा ना? भागवत की कथा तो 6 दिन और चलेगी, मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी रे। लेकिन मेरी किताब लाना मत भूलना। हाँ हाँ हाँ, ये लो। जमुना, ये लो तुम्हारा देवदास। टन टन घड़ी ने 2 बजाए। देवदास ने पुकारा, पारो। रूंधे स्वर में पार्वती बोली, कहो। माता पिता को कतई नामंजूर है। सुना है? सर हिलाकर पार्वती ने कहा, सुना है?
तन्ना नीचे आ, कहां मर गया तू, नीचे आ जल्दी। तन्ना ओ तन्ना आ नीचे। तुम्हारे स्कूल में जलसा था? स्कूल? स्कूल जाना तो माने कब का छुड़ा दिया, दिन भर घर में बैठी तुम्हारी लाई किताबें पढ़ती हूँ। फिर इतने अच्छे कपड़े, आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देखता है, असली जर्मनी की आर्गेंडी है, चाचा लाए हैं कलकत्ते से मेरे दहेज के लिए। ये देखो छोटे छोटे फूल भी हैं, अच्छे है ना? हाँ बहुत बढ़िया है। मगर तन्ना वही अपना तन्ना, उसने तो देखे भी नहीं, बिना देखे ही चला गया। कितनी अकेली हूँ अब मैं, वो तो बात तक करने से कतराता है। ये क्या, तूने तो पुए खाए भी नहीं। हमें घर जाना है। खा लो नहीं तो सब जाया हो जाएंगे। नहीं हमें नहीं खाना, हमें जाना है। चुपचाप बैठ के खाओ। मानिक हमसे बातें करो ना। तन्ना से क्यों टूट गई जमुनिया? तन्ना डरपोक है इसलिए। अरे मैंने तो अपनी माँ को मना भी लिया, मगर तन्ना अपने बाप से डरता है। बहुत बुरा है तन्ना। तन्ना बुरा नहीं है, उसका बाप कमीना है। जब से उसकी माँ मरी और वो मौसी घर में आई है, बेचारा बहुत दुखी है। मगर मैं पूछती हूँ, अगर अपने बाप का इतना ही डर था तो मुझे क्यों आश्रय में रखा, मुझे क्यों सहारा दिया? तन्ना ने बहुत बड़ी गलती की। नहीं दीदी, दुनिया में ऐसे ही होता है मानिक। तुझे पता है देवदास ने पार्वती को क्या लिखा था? मैं बताती हूँ। पार्वती, दो दिन तक मैं तुम्हारी ही बात सोचता रहा। माता पिता किसी की भी इच्छा नहीं कि हम दोनों का विवाह हो। अगर तुम्हें सुखी रखना होगा तो उन लोगों को इतना बड़ा आघात पहुंचाना होगा जो मेरे बस का नहीं। देखा, बिल्कुल तन्ना और मेरे जैसे। बस तन्ना के घर वाले तो देवदास के घर वालों से भी बुरे हैं। लेकिन तन्ना भैया तो बिल्कुल देवदास जैसे नहीं है, भांडे से बोडे में वो तो पूरे जोकर। मानिक तू तो रोज आएगा ना गैया खिलाने? नहीं, कल से भाभी आएगी, मेरी परीक्षा है। ए, देख मानिक, तूने मेरा नमक खाया है, और जो नमक खाकर अदा नहीं करता ना उस पे बहुत बड़ा पाप पड़ता है, क्योंकि ऊपर भगवान देखता है और सब कुछ अपनी बड़ी सी बही में दर्ज करता है। हाँ फिर क्या हुआ, आप दोबारा गए थे? क्या करता, गाय की खातिर जाना ही पड़ा। भाभी ने जिद जो की और जमुना मुझे जबरदस्ती बिठाकर तन्ना की शिकायत करती और खूब रोती। फिर एक दिन पत्थर दिल तन्ना की बातें करते करते मेरे कांधे पर सर लगाकर बिलकने लगी। इसने मुझे क्यों धुतकारा? जिंदगी बिन जल का पोखर बन गई, एक तड़पती मछली। हाय तन्ना, तेरी याद ने मुझे कितना सताया। जैसे प्रेम कहानियों में लोग बोलते हैं वैसे ही बोलने लगी और मुझसे वैसी हरकतें भी करने लगी जैसे कि मैं तन्ना था। मुझे बहुत बुरा लगा, तुरंत वहां से भागना चाहा, पर क्या करता, उसका नमक खाया था और ऊपर भगवान सब देखता है और अपनी बड़ी सी बही में दर्ज करता है। और फिर मैं भी वैसा ही करने लगा
जैसे प्रेम कहानियों में होती है। जमुना मेरी जमुनिया तो कितनी सुंदर है। मैं बहुत खराब लड़की हूं, बहुत बुरा किया। जी घबराता था तभी तो। तेरा नुकसान नहीं चाहती थी रे। तेरी कसम अब कभी नहीं आऊंगी तेरे पास, कभी भी नहीं आऊंगी तेरे पास। मगर अगली शाम वो फिर आई, वहीं बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। माणिक मैंने अपने आप से कहा, घर लौट, आगे मत बढ़, ये बहुत खराब रास्ता है, इससे तो दूर रह। पर मैं रुक नहीं सका, रहा नहीं गया और नहीं जमुना रह सकी। रोज मिलते। बस यही। लेकिन इसका अंत क्या हुआ? तुम लोग खूब नाम कमाओगे। अंत क्या हुआ? क्या प्रेम कहानी के दो चार अंत होते? एक ही तो अंत होता है। नायिका का विवाह हो जाता है और इस दुनिया के मानिक मुल्ला मुंह ताकते रह जाते हैं। बिल्कुल ठोसन को आई तो बोगस कहां निष्कर्ष निकला? ये कहानी से कहां सिद्ध हुआ कि प्रेम भावना की नींव आर्थिक स्थिति और वर्ग संघर्ष है? क्यों नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। संपत्ति की विषमता इस प्रेम का मूल कारण है। यदि हमारे समाज में हरे घर में गाय होती तो मुझे उनके यहाँ जाना ही क्यों पड़ता? फिर ना नमक खाता ना नमक अदा करना पड़ता। तो निष्कर्ष ये निकला कि हर आदमी के घर में एक गाय होनी चाहिए। बिल्कुल, इससे राष्ट्र का पशुधन भी बढ़े और संतानों का स्वास्थ्य भी बनेगा। भारत में दूध और घी की नदियां बहे। क्या हुआ है? तुम जमुना को जानते थे? खानदान का राज खुल गया क्या है? इसमें हंसने की क्या बात है? बहुत दर्दनाक स्थिति है। ये कहानी थी गरीबी की, दहेज की कमी की। जवान लड़की को उनकी मर्जी के खिलाफ ब्याह देना। हर घर में एक जमुना होती है जिसकी शादी तन्ना से नहीं हो पाती क्योंकि उनके बाप के पास देने को दहेज नहीं होता। यह हंसने की बात है। पर जमुना तो शादी करके बड़ी खुश थी। ये भी बताता हूं किस तरह हुई उसकी शादी। अच्छा ये क्या है? घोड़े की नाल। ठीक, यही नाल जमुना के वैवाहिक जीवन का एक स्मृति चिन्ह है और इस कहानी का शीर्षक घोड़े की नाल। जब बहुत दिनों तक जमुना की शादी तय नहीं हो पाई और उसकी माँ पूजा पाठ करने लगी और उसके पिता बैंक में ओवरटाइम करने लगे, तो एक दिन उनके घर दूर की एक रिश्तेदार रोमा बीबी आई। रोमा की अम्मा। अरे आओ आओ रोमा बीबी, इस बार तो बड़े दिनों बाद आई। अरे क्या करें, तुम याद ही नहीं कर रहे हो। अब याद नहीं करेगा तो कौन करेगा? बैठो आराम से बैठ जाओ और सुनाओ कैसी हो। अरे राम अरे राम, बिटिया की बाढ़ तो देखो, जैसा नाम तैसन करनी। भादो की जमुना आज फटी पड़त है। एक कर ब्याह हुआ कहूँ नहीं तय क्यों? अब क्या कहें रोमा बहन, फिर रात्रि वाले तो दहेज बहुत मांगते हैं, कहाँ से दे। जात पर जात में लड़की देने से तो अच्छा है माँ बेटी दोनों गले में रस्सी बांध कर कुएं में कूद जाए। हाय हाय, कैसी को भाषा जिभ्या से निकालत हो जमुना की अम्मा। अरे कुएं में गिरे तुम्हारे दुश्मन और कुएं में गिरे तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वाले और कुएं में गिरे तन्ना और महेश्वर दलाल। का सी सी करत हो, दूसरे का सुख देख कर जिनका किया फाटत है। बखत पर सगे संबंधी काम आवत है। अब ये हमार भतीजा है, देखो फोटो लेके आए हैं, देखो कुंडली भी है। अरे अरे घर का अकेला है,
न सास न ससुर न ननद न जेठानी, घर में कोनो की चाह नहीं है। और नाना के नाम जागीर लिख गए है, घर में घोड़ा है तांगा है, पुराना नाम ही खानदान है, लड़की रानी महारानी अस बिलासी है। यही है वो लड़का। लड़का? इसकी दो बीवियां मर चुकी हैं, जमुना को तुम तीसरी बनाओगी। आज हुआ ये लड़का, मेरी उम्र का होगा, इसे दोगी लड़की? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? लड़का तिहाजू है तो कोई बात नहीं, मर्द और दीवार दो जितना हवा पानी खाते हैं उतना ही पुख्ता होते हैं। दहेज नहीं जुटा पा रहा हूं तो नरक में धकेल दे। जो धनी जमींदार वर जमुना के लिए लाया गया उसे मैंने भी देखा। वो पुख्ता दीवार स्वास्थ्य और सुंदरता की मिसाल थी। न मुंह में दांत न पेट में हाथ, आधा सर गंजा, लेकिन धन से सारे ऐब छुप जाते। बढ़िया बारात सारे गांव में किसी के नहीं आई होगी। देख, देख अपने दूल्हे को देख। हाय मेरी दैया, मैं तो लुट गई। कितने बुड्ढे हैं ये, शक्ल भी कितनी बुरी है। शी, ऐसा नहीं कहते पगले, देखना दिल के कितने अच्छे होंगे, तुझे बहुत प्यार करेगी। शादी के कुछ ही सप्ताह बाद जमुना माँ बाप से मिलने मायके लौट कर आई। अरे पिटिया, कैसी हो बच्चे? अच्छी जीते रहो बेटा, तेरा सुहाग मना रहे। हमारी जमाई बाबू कैसे हैं? अच्छे हैं। बाबूजी कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। नमस्ते माता जी। जीते रहो बेटा। और सुनाओ सब कैसे हैं? देखा था ना को? नहीं देखना मुझे। थोड़े दिनों बाद इसका ब्याह हो रहा है, लड़की पैसे वालों की है और सुंदर भी है। चल रख दो भैया सामान इधर, अब तनिक सुस्ता है लो। एक खटिया पे सामान धर दो, पीछे रख दो उसका। ये कमरे का मिजान बहुत बढ़िया है। अब तुम तनिक सुस्ता लो। हाँ। बाहर घोड़े को भी घास पानी खिला लो और खुद भी चाय पानी पी के आ जाओ। ओहो, मोती का तो हम भूल ही गए। अच्छा बरौनी हम जाते हैं। और सुना बिटिया, कैसे है तेरे ससुराल वाले? अरे क्या दिखाने जा रही मुझे? अरे बड़ी अच्छी अच्छी साड़ी है तेरी तो। ये लो माँ, तुम्हारे लिए। क्या मेरे लिए? हाँ। इसकी क्या जरूरत थी बिटिया? अरे वाह, जरूरत क्यों नहीं, उन्होंने ही तो जबरदस्ती की, रंग भी उन्होंने ही पसंद किया है। बड़े दिल वाले हैं तेरे जमींदार साहेब। अम्मा तुमने ठीक ही कहा, बड़ा सुख है मुझे।
अरे वो तो इतने सीधे हैं कि जरा से तीन पांच नहीं जानते, जैसे छोटे से बच्चे। तभी तो। अच्छा तुझे तो बहुत प्यार करता होगा। अब क्या बताऊंगा, 24 घंटे मुंह देखते रहते हैं। जरा सी कहीं गई नहीं तो बस अजी सुनती हो कहां गई। पर यहां आने को कहा तो झट राजी हो गए। कैसी हो बेटी? अच्छी। बाबूजी आप रोज इतनी देर से आते हैं। क्या करता बेटिया, आज इससे पहले आना ही नहीं हुआ। क्या बात, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। बैंक में 555 रुपए और 12 आने की गड़बड़ थी। आपने हिसाब गलत जोड़ा होगा। कितनी बार सारे आंकड़े चेक किए, अगर कल सुबह तक जमा नहीं किए तो हिरासत में ले लिया जाऊंगा। घर के खर्चे से निकाल कर दे दो। हाय राम, मैं कहां से लाऊंगी, बनिए से सौदा उधार पर आता है। ठीक है, फिर जेल में आकर मिलना। कैसा शुभ बके जा रहे हैं आप। हे भगवान, आप तो कहीं कहीं नहीं रहे, इनकी लापरवाही ने तो हमें बर्बाद करके छोड़ा है। बेटी से मांगो। क्या? जमुना चले गई। जमुना बिटिया, तुझे अपने बाबूजी की इज्जत बचानी होगी, उधार दे दे। ये लो, मेरे पास तो इतना ही है। ये तो 20-25 होंगे और 30 एक मेरे पास है, इससे तो कुछ नहीं होगा। चाहो तो संदूक में देख लो, मैं कब मना करती हूँ। जमुना झूठ क्यों बोली, इसका भी कारण था। वो सोचने लगी इतना धन पहली दो के मायके वाले लूट ले गए, मेरे साथ भी ऐसा होने लगा तो। रुपए छुपाए और जल्द से जल्द अपने ससुराल लौट गई। जमुना को अपने भावी बच्चों की बड़ी फिक्र थी। हमें अपने बच्चों के लिए धन जो जुटाना होगा। हमें सब कुछ दिया है, बस भगवान ने संतान की सुख से वंचित किया है। ये तो ऊपर वाले की इच्छा है। सो तो है, पर इंसान को भी तो कुछ करना चाहिए। तुमने क्या कुछ नहीं किया संतान के खातिर, साधु संतों के सामने सर झुकाया, मंदिरों की चौखट पर माथा रगड़ा, गरीबों में अन्न बांटा, बस सब बेकार। मालिक, ये बार भगवान आपकी जरूर सुन लेगा। मंदिर के उन नए ज्योतिषी की बड़ी चर्चा है, सारा शहर उनकी तरफ भाग रहा है। उन्हें कई लोगों के मिजान ठीक किए हैं, आपका भी ठीक कर देगा मालिक। अलावती यदि पूरे कार्तिक मास में सुबह पोह फटने से पहले गंगा में स्नान करके आपकी पत्नी चंडी देवी पे पीले फूल चढ़ाए, ब्राह्मणों को चना जौ और सोना दान करे तो गोद अवश्य भर जाएगी। मैं तो तुरंत जाऊंगी। कब है कार्तिक के पहले? बस 2 ही दिन बाद बहुजी। इतने सवेरे अकेले जाओगी? क्यों, आपके साथ जाऊंगी? तुम्हें पता नहीं वैद्य ने मना कर रखा है, जरा सी ठंड लगने पर खांसी का दौरा पड़ सकता है। तो आप चाहते हैं कि ना जाऊं? मैंने ऐसा कब कहा था, तुम्हें किसी और के साथ भेजता हूं, देखता हूं और कौन जा पाएगा। मालिक आप कहें तो हम चले जाएं बहूजी के साथ, बस ये मोती को थोड़ा जल्दी छोड़ना होगा। हाँ। अब हमार का है मालिक, हम तो सुस्ता है, नहीं सुस्ता है।
पर जानवर का सस्ताना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है। हेलो बेटा। हेलो ये चलो बेटा चलो। कई दिनों तक वो गंगा नहाने गई। कार्तिक मास अंत होने को आया था। कड़ाके की ठंड, अरे बहू जी उठो उठो, आप काहे जान देने पर उतारू हैं। चलिए अब घर चलते हैं। नहीं पहले फूल चढ़ाते हैं। ओहो ऐसन तपस्या तो गोरी मैया भी नहीं कीन होगी। देखो आप वो बड़े ज्योतिषी की बात तो सुन लिए, अब जरा हम गरीब की बात भी मान लो। तुम क्या बताओगे? अजमाई हुई तरकीब है भाऊजी, सफेद घोड़ा होए, जो हमारा मोती है ना उके अगले बाएं पांव की नाल निकाल के चंद्र ग्रहण के दिन जौन अंगूठी बना के पहन ले तो सब में जान ठीक हो सकता है। का सोच रहे? जाने चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा और इस अनुष्ठान को तो बस अब 4-5 दिन ही बाकी रह गए। लो 5 दिन बाद ही तो चंद्र ग्रहण है, पर उमे एक मुसीबत है, हम मोती का अभी अभी नाल लगाए हैं और उको घिसने में तो टाइम लगेगा। नहीं से काम नहीं बनेगा? अरे नहीं खोखा कोनो कदर नहीं। तो फिर क्या करें? तुम ही कुछ जुगत बताओ। हाँ एक काम हो सकता है, 4-5 दिन जोन एक तांगा को दौड़ाया जाए तो नाल पुरानी हो जाएगी, फिर उके अंगूठी बना के पहनी जा सकती। तो दौड़ाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? अरे कहा दौड़ाए, मालिक हमका अकेले तो ले जाने नहीं देते। हाँ जो नाप साथ चले तो सब में जान ठीक हो सकता है। ठीक है आइए चलिए। अरे रफ्तार कितना भाई, आप तेज चार ये और तेज चार चार चलो भाई उका मत तेज चार जी काना रचा खेल गंभीर कालिदा जरा
रामधन, जमुना, अपने बच्चे का मुंह देख ले, जाने वाला तो परलोक सिधार के। काल बली है बिटिया, काल बली है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। ना मेरे बच्चे, चुप हो जा, आंसू पोंछ ले और इस बच्चे को संभाल, यही तो अमानत रह गई है जाने वाले की। ना, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। बेटी, बैंक से एक ही दिन की छुट्टी मिली है, आज जाना ही होगा। वैसे भी बेटी के घर रहना उचित नहीं। लेकिन इतने बड़े घर में ये अकेली कैसे रहेगी? कोई तो होना चाहिए देखभाल के लिए। दिन दहाड़े तो आजकल डाके पड़ते हैं। ना बेटी, ना, ना बच्चे, ना। हमें ऐसा आदमी कहां से मिलेगा? अरे हम है ना साहेब, हमार होते हो आपको कोनो फिकर का जरूरत नहीं। हमार बहुजी और बेटे की सेवा हम पूरी जिंदगानी तक करते रहेंगे। ये घर का सब मिजान हम ठीक कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो साहेब। हाँ, और इसी तरह जमुना सुख और पवित्रता से अपने दिन काटने लगी। लेकिन माणिक बाबू, ये घोड़े की नाल आपको कहां से मिलेगी? उसकी तो अंगूठी बन चुकी थी। अरे हम अपने प्यारी बहुजी को फिल्म दिखावन चले। अरे मानिक बाबू, अरे अरे का रामधन, ऐसा नहीं जान, कहाँ चले? काशी जा रहे हैं, हमार भौजी का लिवान है, वो तीर्थ के लिए गई थी ना। मानिक बाबू, तन्ना बाबू को सुन के बहुत ही अफसोस हुआ, भगवान उनका आत्मा को शांति दे। बहुत बुरा हुआ, उन्हीं की जगह पर तो नौकरी कर रहा हूँ आरएमएस में। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम्हारे तो बड़े ठाट हैं, सोने की खान हाथ लग गई क्या? इज्जत लोहे की अंगूठी का कमाल है मानिक बाबू, बड़ी तासीर है घोड़े की घिसी हुई नाल में। अच्छा, एक तो हमारे पास और है, ऐसा करो ये तुम रख लो। अरे नहीं नहीं, अरे रखो मानिक बाबू, हमारे तरफ से प्रेजेंट समझो। ये तुम्हारा काम आई। अच्छा अच्छा, चलते हैं। अच्छा लेकिन इसकी अंगूठी मैंने नहीं बनवाई, हिफाजत से रख ली कि कभी काम आए। देखा श्याम, भगवान जो कुछ करता है भले के लिए करता है। आखिर जमुना को कितना सुख मिला, तुम व्यर्थ में दुखी हो रहे थे। क्यों? इस कहानी का तो कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला। क्यों नहीं? इससे निष्कर्ष यह निकला कि दुनिया का कोई भी काम बुरा नहीं, हमें किसी काम को नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए, चाहे वह तांगा हाकना ही क्यों ना हो। ये तुम सब याद रखना। इसकी एक समाजवादी व्याख्या भी हो सकती है, जमुना मानवता का प्रतीक है, मिडिल क्लास यानी आप मालिक मुल्ला और सामंत वर्ग यानी जमुना के जमींदार पति उनका उद्धार करने में असफल रहे, और अंत में वर्किंग क्लास यानी रामधन ने उनको नई दिशा दिखाई। शाबाश ओमकार, खुद काल मार्क्स की बात नहीं सोच सकते थे। शुक्रिया शुक्रिया। जमुना जैसी नायिका की कहानी क्यों कही जाए? शकुंतला जैसी भोली भाली या राधा जैसी पवित्र नायिका उठाते, या आधुनिक बनना है तो जैनेन्द्र की सुनीता जैसी सासी नायिका, और या जयशंकर प्रसाद की देवसेना टाइप मिल सकते थे। लेकिन जीवन में अधिकांश नायिकाएं जमुना ही होती है, 99%। लेखक को आदर्शवादी होना चाहिए। इसीलिए तो प्रेम पर आर्थिक प्रभाव की बात करता हूं, खासतौर पे हम जैसे मध्यवर्ग के लोगों के लिए। हम जैसों के सपने और आदर्श तो बहुत जल्दी हवा हो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति को अपने आदर्श के लिए लड़ना चाहिए। नहीं लड़ सकते, अतः जमुना की तरह हर परिस्थिति में समझौता करते जाते। सभी जमुना तो नहीं होते। ऐसे भी होते हैं जिनकी मर्यादाशीलता
सिर्फ कायरता होती है। मसलन? मसलन महेश्वर दराल का लड़का तन्ना, जिससे जमुना की शादी नहीं हो पाई। तन्ना याद है ना? जानते हो उसका क्या हुआ? इस कहानी का शीर्षक? तुम क्या किसी पत्रकार के संपादक हो जो शीर्षक बताओ? तुम लोग यहां कहानी सुनने आए हो या शीर्षक सुनने? जैसा कि तुम जानते हो, तन्ना का कोई भाई नहीं था। दो बहनें थी, एक बड़ी एक छोटी। जब उनकी मां परलोक सिधारी तो उनके पिता एक औरत को घर ले आए, जिसे बच्चे मौसी कहने पर मजबूर थे। बेचारे बच्चों के पालन पोषण के लिए तो औरत को घर लाया गया था, वरना क्या उन्हें बुढ़ापे में औरत का शौक चढ़ा था? बड़ी बेशरम हो। छोड़ो जी, क्या करो तुम? क्यों इतनी सावली हो रहे हैं? हाय दया, हाय दया, हाय तो पांडे हो रहे हो। अरे गधे, तू यहाँ क्या कर रहा? अभी तक स्कूल नहीं गया? आजकल तू रोज स्कूल देर से जाने लगा है। कमला और विमला कहाँ है? नाश्ता बनाया कि नहीं? जी अभी नहीं। ठीक है ठीक है, बाद में आके खा लेना। ये ले, स्कूल जाके आधी छुट्टी में चने लेके चबा लेना। रखे इसके सर, ले ले ना, दबाओ जा। उल्लू का पट्ठा। अरे छोड़ ना, अरे हम का पड़ोस काने, अरे जाने तो ना। रोज रोज जाने का होता है तुझे? समझती क्या अपने आप को? मौसी, ये देखो विमला कहाँ जा रही है। अरे कहाँ चली सर धज के? वो जमुना की माँ पांच बंदरों और पांच कन्याओं को खिलाएगी पूजा के बाद। का? अरे इन लोगों ने तो हमारे जीना दूभर कर दिए हैं। कहा हम इन लोगों को भूखे मारे थे जो ई लोग पड़ोसियों के चूल्हे में घुसे के बहाने ढूंढत रहे? राम जाने बुढ़ापे में हमारा पेट कौन पाले और इनके बाप को कौन खिलाई? ए नालायक, तू सुबह स्कूल नहीं गया, कहाँ जा रहा है? ये भी वहीं जा रहा है, जमुना के घर। अरे इन लोगों को तो हमार पहनना ओढ़ना खाना पीना उठना बैठना कुछ बर्दाश्त नहीं होते। पानी पी पी कर कोसत रहे। और आप बैठे बैठे कहाँ देखो तो जी, संभालो अपने बिटवा को। इधर आओ उल्लू के पट्टे, इधर आ, तेरी खबर लेता हूँ। इधर आ, जल्दी आ इधर। तू कभी नहीं सुधरेगा। कितनी बार कहा है कि अपनी मौसी का कहना माना कर, वो तेरी मां समान है और तू समझता है वो तेरी कुछ भी नहीं। हरामखोर, चढ़ अब। बहुत अच्छा हुआ, खूब मार पड़ी, मुझे छोड़े जा रहे थे। अरे अभी क्या, राम चाहे तो एक दिन दोनों पैर टूटेंगे, मुंह में दाना डालने वाला कोई नहीं रहेगा। तन्ना, ए तन्ना। हाँ? क्या हुआ? हमें माँ की याद आ रही है जमुना। बहुत दयालु थी क्या तुम्हारी माँ? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थक, ऐसा नहीं कहते। जमुना, हमारा क्या होगा? जमुना, तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है हमें। तुम्हें भूख लगी है? मालपुए लाओ, ठहरो। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तन्ना से। तेरी कसम मां, मैं मर जाऊंगी पर शादी किसी और से बिल्कुल नहीं करूंगी। जमुना, जमुना बेटा दरवाजा खोल ले,
जमुना ये क्या कर रही है बच्ची? दरवाजा खोल ले। खोल ना बेटा, दरवाजा खोल। बेचारी, तुम उसकी बात क्यों नहीं मान देती? अगर तन्ना हमारा दामाद बन जाए तो क्या बुरा है, लड़का भला है। तुम बात कर लोगे? हाँ। जमुना सुन बेटा, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं तन्ना से आके कहो कि बात कर ले। सुन रही हो ना जमुना? बेटा तो दरवाजा खोले बेटे। तन्ना बेटा, हमें तो बस अपनी बेटी का सुख चाहिए और वो तुम्हारे साथ सुखी रहेगी, ऐसा उसका कहना है। हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार हैं, मगर एक शर्त पर। हमारा कोई बेटा नहीं और ऊपर से तुम्हारा गोत्र भी हमसे मेल नहीं खाता। बात बड़ी सीधी है तन्ना, अगर तुम हमारे यहां घर जमाई बनकर रहो तो ही हम जमुना का हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे। और बेटा, जाहिर है कि ऐसी हालत में हम दहेज भी नहीं देंगे। बोलो, क्या कहते हो? पिताजी को छोड़ना होगा। सोच लो तुम। तो फिर उनकी सेवा कौन करेगा? उन्हें ऐसे बेसहारा कैसे छोड़ दूं? देखा कितना नाशुक्र है। अरे हम इसे अपनी बेटी दे रहे और इसे अपने उस निगोड़े बाप की सोच रही है। धीरज रखो जमुना की माँ, अगर जमुना इसके घर चली जाती है तो क्या हर्ज है, दो कदम पे ही तो है। आप चुप रहो जी, जब हम दहेज जुटा लेंगे तो अपनी बेटी का ब्याह किसी योग्य वर से कर लेंगे। बेटी हमारी कुवारी नहीं रहेगी। और अगर कोई रास्ता नहीं सूझा तो पीपल के पेड़ से बेटी का ब्याह कर देंगे, लेकिन अपने से नीचे गोद में नहीं देंगे। हाँ, एक धरूंगा, अगर फिर से तू उस लड़की के घर गया या उससे बात की तो खाल खींच के रख दूंगा तेरी। आए हाय, बड़का मजनू बनत फिरत है। अरे हम दो दिन खाए का न दे तबई होश ठिकाने आए। कमबख्त, बाप की नाक कटवावत है, बिरादरी में इनका मजाक बनाई दे। अजी हमरी मानो, हम तो ई कहे कि लड़के का कहीं ब्याह कर दो जल्दी से। हाँ हरामी साले, हमारा गोत्र नीचा है, जवान खींच के रख दूंगा, दहेज नहीं देंगे। अरे मैंने तो घर में टकसाल लगा रखी है, मेरे घर में जो दो दो अनब्याही लड़कियां बैठी हैं उनका दहेज क्या इनका बाप ला कर देगा? और उल्लू के पट्टे अपने बाप का घर छोड़कर जाकर सास की गोद में घुसना चाहता है? मेरे सामने तो आकर जरा बात करें, ऐसा जवाब दूंगा कि अरे वो जमुना कहां की परी है, काठ की गुड़िया को साड़ी लपेट कर नौबत बजाकर अपने घर ले आऊंगा, लेकिन अपने बेटे को इन कमीनों के घर में कभी नहीं भिजाऊंगा। उल्लू का पट्टा सारा। तन्ना, तन्ना ना, अबे उल्लू के पट्टे नीचे उतर फौरन, जल्दी आ नीचे। सर जी, मैंने सुना है आप अपने लड़के के लिए रिश्ता ढूंढ रहे। हाँ भाई, ढूंढ तो रहा हूँ। मेरी नजर में एक योग्य लड़की है, इकलौती बेटी। बाप तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ छोड़ गए, घर जायदाद। लड़की इंटर में पढ़ भी रही है, आप कहे तो आ चलो। दहेज में अच्छी रकम देंगे? क्यों नहीं देंगे, अरे धन का और कोई हकदार नहीं है, उसका बाप भी इकलौती संतान था। तब तो हमारी भेंट करवाओ, तुम्हें भी तुम्हारी मेहनत का फल मिल जाएगा। ये लो तुम्हारे जेब खर्च के लिए। राम राम सेठ जी। राम राम। राम राम सेठ जी, हमारा ये साबुन अपनी दुकान में रख लो, चमन ठाकुर का चक्कू छाप खास धुलाई का साबुन है।
अरे साबुन तो क्या, मैं तो साबुन वाली को भी दुकान पे रख लूं। साबुन वाली को दुकान में रख और ये चक्कू रख अपनी छाती में कमीने। अरे पागल हो गया क्या, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, होता है, गलती हो गई, अब माफ कर मेरी माँ। गलती हो गई का बच्चा, कमीना, अब गलती मत करना। मैं तो अपनी पहली घरवाली ही नहीं रख पाया, वो भी भाग गई सारी चौकीदार के साथ, तुझे कहीं से रखूंगा। बाप बिजली है साली, कौन है? चमन ठाकुर की भतीजी। चमन ठाकुर कौन? अरे वही हथकटा फौजी। ओ, उसकी भतीजी? कम से कम कहता तो यही है। तो हार बिटवा फेल हो गई इम्तिहान में। अरे उस लड़की के चक्कर में पढ़ाई तब यही होगा, और का होए? गधे, फिर से उस पुतरिया के चक्कर में पड़ गया तू? हाँ, अपनी जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं तुझे? ढेर सारी किताबें लाके दी हैं, उसमें से आधी के बरक भी नहीं खोले होंगे तूने, और फिर से फेल हो गया। ऐसे की परीक्षा ही तो है, कुछ महीने बाद फिर बैठ सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, कल से कॉलेज बंद, दुई पैसा कमा के ले आओ, अरे बापे का हाथ बटाओ। अजी मैं कहूँ ब्याह कर दो उसका, तभी ठीक हो। हाँ, सुबह 7 बजे तैयार रहना, स्टेशन मास्टर के पास जाना है, तेरे लिए कोई छोटी मोटी नौकरी देखता हूँ, और ये जो जुल्फे रखी हुई है ना हीरो की तरह, इनको कटवा। हीरो बना फिरता है कहीं का गधा। फिलहाल यहाँ बैठ सकता है। ए, सुनो नहीं क्या कह रहे हैं, बैठ जा, बैठ बैठ। डाक बोरियों का हिसाब रखना होगा। देखिए महेश्वर जी, काम बहुत जिम्मेदारी का है, एक बार ये काम समझ लें, देन आई कैन सेंड हिम बाय द मेल ट्रेन। जी, मेल ट्रेन पर भेज दिया करेंगे। हाँ, आपका बहुत बहुत थैंक यू। सुनो ना क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखिए, आपके बेटे के समान है, आपको पूरा हक है, इसको डांटिए डपटिए, पूरा इससे काम करवाइए, जरूरत हो तो कान भी खींचिए इसका, कोई बात नहीं। थैंक यू बोलो। थैंक यू। तन्ना, तू घर जा, मुझे चमन ठाकुर से साबुन खरीदने की बात करनी है, जा ना। राम जी की मैसर सेठ। राम राम। चमन ठाकुर, आजकल तुम्हारे साबुन का भाव क्या है? तो नौकरी लग गई? अरे बड़ी पहुंचे तोरे बाबूजी की। हाँ, पर वो तोरे संगी नहीं आए? काम था। चमन ठाकुर को जानते हैं? वो लड़की है ना बंजारन जैसी, उसके चचा। अरे तू क्या जाने साबुन का कारोबार? मैं हूँ महेश्वर दलाल, तेरी आंखों का काजल भी बेच सकता हूँ अगर चाहूँ तो। सब दुकानदार जानते हैं मुझे यहाँ। चाचा मत बेचना इसे अपना साबुन, सारे मंडी वाले खफा हो जाएंगे, उनका मुनाफा भी बीच में ये खा जाएगा। अरे तू समझती क्या महेश्वर दलाल को, 1 महीने का एडवांस लेके आया हूँ साथ में। ये ले चमन ठाकुर, रख तू इसे, बाकी हिसाब मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन साबुन मेरा जरा बढ़िया बनवाना, तू ही बनाएगी ना? अरे तेरे परांदों के लाल लाल फुम्मन। निकालू चक्कू? अरे नहीं, लड़ती। अच्छा जाता हूँ मैं। महेश्वर दलाल थे बड़े रंगीन मिजाज, अच्छे खासे दिल फेंक थे, बात साबुन वाली तक ही सीमित नहीं रही। मस्त,
कौन मानेगा कि आप इसकी माँ हैं? आप तो इसकी बड़ी बहन लगती हैं, और वो भी कुछ ही साल बड़ी। कैसे मजाक करते हैं भाई साहब, आप भी कोई सुनेगा तो क्या कहे। तो बात पक्की समझे, हमारी होने वाली बहू अपनी पति की खातिर पढ़ाई छोड़ देगी। वैसे भी पत्नी को पति से ज्यादा शिक्षित नहीं होना चाहिए, है ना? जैसा आप ठीक समझे, लेकिन भाई साहब समस्या है कि देखिए हम अकेली हैं, शादी का पूरा इंतजाम कैसे करें, और फिर जनाती बराती की देखभाल दहेज जुटाना, और उसके बाद ये है कि घर में कोनो आदमी भी तो नहीं जो भाग दौड़ कर सके। अरे मैं हूँ ना, तुम फिक्र मत करो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं पूरी देखभाल करूँगा। मौसी अपने वैवाहिक हक जताने की गलती कर बैठी, जिसकी उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। हटो, नाटक मत करो, शर्म नहीं आवत? वो साबुन बेचे वाली लड़की के संगे छे? इसकी कही सुनी उड़ा रही है। कौन सी लड़की? अरे मैं तो तन्ना के रिश्ते की बात कर रहा हूँ, और तू किस साबुन वाली का बखान ले बैठी? अच्छा, तभी मुंह से शराब की बू आवत रही, का तन्ना की होने वाली सास के संगे पियत रहे? लौंडी से रानी बन गई, मुझसे सवाल पूछने लगी। घर की ओर पलट कर तो देखत नहीं, सारे घर की जिम्मेदारी हमारे सर पर लाद दी है, और ऊपर से पूछे थे कि हम के होते पूछने वाली। तू तो चाहती है कि मैं अपने बच्चों की भलाई का कुछ सोचूं ही नहीं, चौबीसों घंटे तेरे ही इर्द गिर्द घूमता रहूं। अच्छा, जैसे कि हम कुछ जानत ही नहीं। अरे पहले अपन उम्र तो देखो, मोहल्ले में कैसन कैसन चर्चा होते ही, अरे जग हंसाई हो रही है तुहार। वो सब तेरी वजह से कलमू ही। लो और सुनो, हमार वजह से। हाँ, तू इस घर में रह रही है तो मोहल्ले में चारों तरफ से चार लोग चार तरह की बातें नहीं बनाएंगे। मैं ठहरा इज्जतदार आदमी, अपने बेटे और बेटियों की शादी रचानी है मुझे, कब तक इस ढोल के बोझ को अपने गले में लटकाए घूमता रहूंगा? का अब हम बोझ हो गए? अरे का हमारा ई घर पे कोई हक नहीं? इतनी सेवा का ई फल मिला, काका ने किया इन लोगों के वास्ते हमने। अरे हाय रे हमारी किस्मत, अब हम ई घर में एक मिनट ना रहे भाव। अच्छा तो यही चाहती है तू? ना शुक्र गुजार, निकल जा यहां से, फौरन निकल जा। मैं भी नहीं चाहता कि तू इस घर में रहे। जैसे तू तन पे तीन कपड़े पहनकर आई थी, वैसे ही वापस जाएगी। निकल यहां से, चल निकल यहां से। मैं कहता हूं निकल, दफा हो तू यहां से, चल चल तो निकल यहां से। दफा हो, मैंने समझाया बब्बू को ना जाए, दफा हो जा। तुम क्या तमाशा देख रही हो? इधर अंदर जाओ। बहुत कुछ घटा। मौसी निकाली गई, यमुना की शादी हो गई, तन्ना की नौकरी लगी, और आखिर एक दिन। और सब कैसे है? देखा तन्ना? नहीं देखना मुझे। थोड़े दिनों बाद इसका ब्याह हो रहा है, लड़की पैसे वालों की है और सुंदर भी। चल बेटी आ जा, सामान इधर रख दो, तनिक सुस्ता लो। आप हमारी चिंता न करें, हम सुस्ता है लेंगे। मैं सोच रहा था कि तुम आओगी जरूर, मगर जमींदार साहब नहीं आए। उन्हें तो बहुत काम रहता है, इतना बड़ा स्टेट जो है। तन्ना, तुमने अपनी दुल्हन को देखा है? नहीं।
क्या वो बहुत सुंदर है? जरूर होगी, मुझसे भी कई सुंदर है ना? हाँ, नहीं मेरा मतलब, क्या तुम मुझे भूल गए तन्ना? इतनी जल्दी? तुमने मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। जमुना, जमुना कहाँ चली गई? ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहदशर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न इस्ता रक्षो आरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयोः। नन्ना की शादी के बाद जमुना ने भाभी से काफी हिलमेल बढ़ा लिया। रोज अपने तांगे में बैठकर जमुना आती और तन्ना से बात ही नहीं करती। तन्ना की बीबी सुंदर थी, पढ़ी लिखी और थोड़ी घमंडी भी। साड़ी तो बहुत ही अच्छी पहन रखी है। कुछ खास नहीं, माँ ने कलकत्ते से मंगवाई थी। मैं भी अपने उनसे कहती हूँ मेरे लिए बिल्कुल ऐसी साड़ी ला कर दे। सिल्क है ना? ये क्या, तुम अभी से पेट से हो इतनी जल्दी? माँ के कहने पर चंडी के मंदिर में आए ज्योतिषी के दर्शन करने गई थी। ओह, तन्ना भी गए थे साथ में? उनकी तो बात मत करो, उनके पास मेरे लिए समय कहाँ है? तो बिना अपने बाप से पूछे एक उंगली भी नहीं हिला सकते। और वो बहनें? बहनें तो शादी करके चली जाएंगी, उसके बाद सिर्फ तुम्हारा ही राज होगा, है ना? जचके के लिए माँ के पास जा रही हूँ, उसके बाद यहाँ लौट कर नहीं आऊंगी। लिली अपने मायके गई तो जमुना फिर एक बार मिलने आई। भाभी अभी से चली गई? नहीं, सुबह गई थी। ओह, तो फिर मैं चलती हूँ। उनसे कहना है कि तुम आई थी? कह देना। जमुना,
तन्ना शरीफ लड़का था। तन्ना की बीबी ने बड़ी मुश्किल से बेटा पैदा किया और तन्ना को अकेले रहना पड़ा अपने बाप और दो बहनों के साथ। फिर एक घटना के कारण महेश्वर भी घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अरे क्या हुआ? आज सुबह जब मैं गंगा स्नान को निकला तो मैं रास्ते में एक टांगा देखा था, ऊपर तक सामान से लदा हुआ। उसमें आगे चमन ठाकुर बैठा था और पीछे सफेद चादर से कुछ ढका हुआ था। लेकिन जब मैं घाट पर पहुंचा तो मैंने उसी सफेद चादर में लिपटी हुई एक लाश देखी। मैं लोगों को लेने के लिए दौड़ा लेकिन जब तक वापस आया तब तक लाश गायब। हो सकता है मार के बहा दिया हो। मुझे लगता है शायद चमन ठाकुर और महेश्वर दलाल ने मिलकर रात को सती का गला दबा दिया होगा और सुबह लाश को गंगा में बहा दिया होगा। ललिता अब तुम वापस आ जाओ। अब हमसे घर अकेले नहीं चलता और फिर पिताजी भी गायब हैं। सुना है पुलिस उनके पीछे लगी है। बकवास, तुम्हारे पिताजी यही हैं। मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उन्हें ही तुम अपने साथ ले जाओ। अबे ओ तन्ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? उल्लू के पट्टे मेरी जासूसी करने आया है यहाँ? अगर बाहर जाके तूने मेरे बारे में एक लफ्ज भी बोला तो देख लेना। माँ, मैंने तुमसे कहा था ना इन्हें यहाँ नहीं रहने देना। अब हम कहा कर सकते हैं और कहा कह सकते हैं बिटिया? इसे यहाँ से निकाल दो नहीं तो मैं चली जाऊंगी। मैं अब और कहाँ जाऊंगा? बाहर गया तो पुलिस मुझे धर लेगी। वो आप जाने, मुझे अब आपके परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं चाहिए। कहा? और ये बच्चा? वो मेरे पास रहेगा। हमारे पास सब कुछ है, किसी मर्द की जरूरत नहीं हमें। इससे कहो ना मुझे यहाँ रहने दे, मैं तेरे पांव पकड़ता हूँ। बोलने से महेश्वर आखिर इस कहानी से गायब हो गए। शायद कहीं और दूसरी औरत मिल गई। ऐसे लोग कहां बदलते हैं। और तन्ना, वो तो वक्त से ही पहले बूढ़ा गए। जानते हो, इतने में जमुना भी विधवा हो गई। एक दिन दोनों मिले, दुख ने दोनों को काफी बदल दिया था। इलो बेटा, आइसन, बहुत बहुत सियाना हमारा बेटा। तन्ना, अरे तन्ना तुम ही हो ना, कितना दुबला गए हो, मैं तो पहचाने भी नहीं। बेटा मामा को प्रणाम करो। प्रणाम करो। ऐसा नमस्ते। ये रामधन है, हमारी स्टेट की देखरेख यही करते हैं। नमस्ते। तुम ऐसे करो, अपन भैया साथ बातें करो। हाँ, हम सामान गाड़ी में रखा था, आओ बैठो तुम। अच्छा बेटवा। ये लो। कहाँ जा रही हो? नीमसार, वहाँ यात्रा है। तन्ना तुम भी कुछ खा लो ना। तुम हमेशा मुझे कुछ खिलाती थी ना। तन्ना तुम बहुत कमजोर हो गए हो, कुछ दिन हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाते? कोठी है, तांगा है, खुली आबो हवा है, सेहत संभल जाएगी। आऊंगा। चलता हूं। अच्छा Tata!
माणिक भाई चलता हूं फिर। माणिक भाई क्या हुआ? कल की कहानी सुनकर मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। अच्छा? कि स्वर्ग के फाटक पर रामधन खड़ा है, अंदर जमुना सफेद कपड़े पहने हुए एकदम शांत गंभीर, और फाटक के ऊपर वो जो आपने नाल दिखाई थी घोड़े की, वो नाल जड़ी हुई है। दूर क्षितिज से एक लकीर की तरह रास्ता चला आ रहा है, उसी पे तन्ना घिसटते हुए चला जा रहा है। उसके पीछे उसकी दो कटी हुई टांगे वो चली आ रही हैं, और आकर वो फाटक पर रुकती हैं। तन्ना जाकर जमुना से मिलता है, और तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो तन्ना का बच्चा था। फिर कहीं दूर किसी स्टेशन से डाक गाड़ी की आवाज़ आती है। इस तरह से बहुत इससे दो बातें सिद्ध हुई। एक, तुम्हारा हाजमा ठीक है, और दो, तुमने दांते की डिवाइन कॉमेडी पढ़ी है जिसमें नायक नायिका स्वर्ग में मिलते हैं और नायिका उसे ईश्वर के सिंहासन तक ले जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? दोनों बातें सच है। शाम देखो, अगर जिंदगी में सिर्फ अंधेरा होता, कीचड़ होता, गंदगी होती, तो हम सब कीड़ों की तरह बिल बिलाते और मर जाते। लेकिन एक बार जो हमारी आत्मा रोशनी की एक झलक पा लेती है, उसके बाद सदियों तक अंधेरे में कैद रहने पर भी वो रोशनी की प्यास तड़पाती रहती है। अब यही प्रेम की बात लो, ये सच है कि प्रेम आर्थिक स्थितियों से अनुशासित होता है, लेकिन ये केवल आंशिक सत्य है। प्रेम तो सपने, सौंदर्य और संगीत भी है, लेकिन लेकिन क्या, जब तक इस प्रेम में साहस और परिपक्वता नहीं होती जो कि इन सपनों को स्वरूप सामाजिक संबंध में बदल सके, वो इसी तरह गायब हो जाता है जैसे बादल की छा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जो ऐसे बादलों के दिन मुझे बार बार याद आती है। अजब थी वो लड़की। देखो मुल्ला भाई, आज उस तरह की कहानी मत सुनाना जी। मैं बयान का विस्तार इतना समयहीन हो कि घटनाओं का क्रम बढ़ता जावत। अच्छा, तो फिर आज की कहानी का घटनाकाल केवल 24 घंटों में ही सीमित रहेगा। 29 जुलाई की शाम से लेकर 30 जुलाई की शाम एक लड़की थी, शीर्षक मालवा की युवरानी देवसेना। हाँ, तो उस लड़की का नाम समझ लो लिली था। डूबते सूरज की उदास पीली किरणों ने झांक कर उस लड़की को अपने रेशमी तकिए में सिसकते हुए देखा। खिड़की पर झूलते हुए जॉर्जेट के हवा से भी हल्के पर्दे को चूमती हुई शाम ने भी उसे देखा। अरे, शादी तुम्हारी कल है, तुम अभी से रो रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो नहीं बताओगी? कहा ना कुछ नहीं, सच मानो। अच्छा मत बताओ, हम भी तुम्हें अब कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, अच्छा बताती हूँ। तो बताओ। कल मैं कमों के साथ देवदास देखने गई थी। देख के पता नहीं मुझे कैसे लगने लगा। उसी ने ना जहाँ पे शादी के बाद बारो पहली बार मनोरमा से मिलती है,
तो मनोरमा उसे कहती है, मुबारक हो, जो हुआ अच्छा हुआ, देखना अब कितनी सुख से रहोगी तुम। तो पारो कहती है, बेशक कल जरा देर का परिचय हुआ यमराज से। तो मनोरमा कहती है, जी ये भी कोई बात हुई? तो पारो बोलती है, समय आने पर सब समझ जाओगे। लेकिन कमों की समझ में कुछ नहीं आया। वो बोलती है, प्यार के लिए जान देना वगैरह सब बकवास है। तुम समझती हो बकवास नहीं है? क्या होगा माने, तुमसे एक दिन नहीं मिलती हो तो मुझे घबराने लगता है, ये सोच के कि आगे चल के मैं तुमसे मिलूंगी या नहीं। दिल को जैसे पाला पड़ जाता है, मैं क्या करूंगी। अच्छा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसे रोते नहीं है। आज सुबह आकर क्या होगा, हमारे प्यार को हमसे कोई छीन नहीं सकता, जानती हो? तुम्हारा प्यार मुझे सदा बल देता रहेगा, और तुम इस बात को मानने को तैयार नहीं। ऐसा ना कहो, तुम्हारे प्यार ने ही मुझे सब कुछ दिया है। अच्छा जाओ, मुंह धोआ जा। कुछ बात करो मालिक, ये बात घबरा रहा है। अच्छा चलो बातें करिए। तो तुम्हारी कमों को देवदास पिक्चर बिल्कुल समझ में नहीं है। कमों बड़ी कुंजहन है, लेकिन हर बात में टांग जरूर अड़ाएगी। तुम्हारी जमुना से तो अच्छी है। अच्छा अच्छा बता, तुमने स्कंदगुप्त खत्म कर डाली? हाँ। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। तो फिर तुम बिल्कुल वैसे ही बहादुर बनना जैसे देवसेना थी, जिसके निस्वार्थ प्रेम और सेवा के आगे स्कंदगुप्त को भी हार माननी पड़ी। देवसेना ने अंत में राग विहाग में आह वेदना मिली विदाई गाकर घुटने टेक कर विदा मांगी, और स्कंदगुप्त को भी कहना पड़ा, और किस कठोर हृदय से तुम्हें रोकू देवसेना, देवसेना तुम जाओ। हतभाग्य स्कंदगुप्त अकेला, स्कंद आह तो मेरी लिली बिल्कुल वैसा ही करेगी ना? वहीं खड़ी रहो खिड़की के पास। बूंदे मत पहुंचो। ये देखो ये लट जो तुम्हारे गाल पर भीग कर आई है कितनी अच्छी लगती है। अब हटे, ठंड लग रही है? नहीं, और तुम बिल्कुल पागल हो। हूं तो नहीं,
कभी कभी पागलपन के दौरे जरूर पड़ जाते हैं। ये शामें सब की सब शामें, क्या इनका कोई अर्थ नहीं? घबरा के तुम्हें जब याद किया, क्या उन शामों का अर्थ नहीं? क्या उन शामों का अर्थ नहीं? तेरी शादी होने वाली है। हमें नहीं करनी शादी। पगली, इस तरह रो रो कर सूरत बिगाड़ लेगी। अरे नासुओं से क्या फायदा, जब माँ या कोई और बुजुर्ग सामने हो तो और बात है, अकेले तेसुए बहाने से क्या मिलता है। लीली, जब विदा होने लगो तो जी भर के रो लेना, सबों साथ मिलकर रोएंगे। अच्छा अब चल उठ, चल हवा खाने चलते हैं। उठ चल ना। चलो ना। अब उस पिंजरे से निस्तार नहीं होगा। ये घूमना फिरना, तुम्हारे साथ की खुशगप्पियां सब खत्म हो जाने वाली है। देख निगोड़ी, मेरे सामने हंसुआ ढरकाने से कौनो फायदा नहीं। बिहार से पहले सब हो इस तरह की हाय हाय करती है। हाँ you
मेरे पास नहीं तू ले भाग मेरे विचार ले थी तुम लोग हमें तो घबराहट होने लगी बारात आने वाली हुई है जाओ कमो बेटा ले जाओ उन्हें तैयार व्यार करो जी हाँ चलो नहीं अरे लिल्ली बेटिया तुम मत खाओ ये बरातियों के लेने जाओ तैयार हो कमो बेटा ले जाओ इन्हें जी चलो नहीं बनाओ और महावर लगा देना चल निकोड़ी में चूहे दौड़ रहा है अरे 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 एक क्या कर रही हो भाई अरे भाई ये बरातियन के लेने नहीं नहीं ऐसे नहीं करो अभी चलो चलो इतनी बार कहा कि तपस्या का काम है व्रत रखना है तुम्हें चलो चलो छोड़ो छोड़ो बरातियन नहीं चलो कैसे खुली हवा में घूमने से और सूर्यास्त से पहले खाना खाने से शारीरिक और मानसिक तनाव शांत हो जाता है बताओ इस कहानी का निष्कर्ष क्या हुआ खाओ बदन बनाओ लेकिन माणिक मुल्ला तुम इस लड़की को कैसे जानते थे तुम्हें इससे क्या मैंने सिर्फ 24 घंटों की घटनाओं के बारे में कहानी बताने की जिम्मेदारी ली थी भूल गए क्या मुल्ला भाई इस घटना ने आपके जीवन पे बहुत गहरा असर डाला होगा मेरे साथ ऐसा हो तो पूरी जिंदगी मरुस्थल हो जाए जिंदगी की कोई भी चीज मेरे लिए तो रस का संचार कर ही नहीं सकती तुम लोगों ने अभी ना तो जिंदगी देखी है और ना ही ढंग की किताबें पढ़ी हैं। ज्यादातर ऐसा ही हुआ है कि इस तरह के अनुभव के बाद जिंदगी में कोई और आती है जिसमें ज्यादा ईमानदारी और अधिक बल होता है चाहे वो अकल पैसे तथा सूरत के मामले में कम सर की क्यों ना हो मसलन शरद चंद्र चैटर्जी के देवदास मुखर्जी को ले लो पारों के बाद उसे चंद्रमुखी मिली और जिसने माणिक मुल्ला को फंसाया वो थी सत्ती सत्ती जो जमुना से भी अलग थी और लिली से भी अलग बड़ी विचित्र है उसकी कहानी भी मुल्ला भाई अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं ये जो कहानियां तुम कहत हो ये बस एक ही दिशा में चलती चली जावत है
इमा कथा सिर्फ टेक्निक कुछ भी नहीं हो, वो कहाँ है टेक्निक? हाँ टेक्निक किसे चाहिए, उस लेखक को जैसे कुछ कहना ही नहीं। मुझे तो फ्लॉबेर, मापासॉ, चेकऑफ जैसे लेखक पसंद है क्योंकि उनमें पाठक को बांध लेने की ताकत होती है। खासतौर से चेकऑफ, उन्होंने किसी महिला से कहा कि कहानी कहना कोई कठिन बात नहीं है, आप मेरे सामने कोई भी चीज रख दें और मैं इसके इर्द गिर्द कहानी कह डालूंगा। अच्छा तो इसे सत्य की कहानी का केंद्र बिंदु बनाकर दिखाइए। बनाइए, ये तो उसकी कहानी का केंद्र बिंदु है ही। जब वो अंतिम बार मुझसे मिली तो उसके हाथ में यही चाकू था। हमारे मोहल्ले में एक अपाहिज रिटायर्ड सैनिक था, चमन ठाकुर। कई साल पहले उसकी रेजिमेंट बलूचिस्तान भेजी गई कबायली विद्रोह को कुचलने। किसी गांव के नेस्तनबूद हो जाने के बाद उसे एक 3-4 बरस की लड़की रोती हुई मिली, जिसे वो उठा लाया था और पालने पोसने लगा। 2-3 साल हुए उसका हाथ कट गया था और उसे पेंशन मिलने लगी। आकर हमारे मोहल्ले में साबुन का कारोबार शुरू कर दिया। गंगा महाजन के यहाँ कितने डंडे दिए थे सत्ती? 2 कम 20, 7 बिके नहीं थे, फिर 15 और दिए, वहां से मिले 5 रुपए चार आने। 5 रुपए चार आने? 7 रुपए 9 आने बनते हैं। कैसे बनते हैं चाचा? देख, देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 8 कितने हुए? 3 ऊपर 20। और 2 महीने गए जो 5 डंडों के दाम वसूल नहीं हुए, वो तो भूल ही गई। हाँ वो तो मैं भूल गई। डैम फूल, तुझे हिसाब करना कुछ नहीं आता। जैसे तुम्हें आता है, काला अक्सर भैंस बराबर। जैसे तू अपने नाम से मैं अक्सर उनके घर से गुजरता था, भाभी के काम से जाना पड़ता या वहां से होकर बाजार। मैं दिन में दही लेकर घर लौट रहा था। जयराम जी की भैया। जयराम जी की। तुम माणिक बाबू हो ना, मुल्ला साहब के छोटे भाई? जी। हिसाब करना आता है? थोड़ा बहुत। अरे तो जरा हमारा हिसाब कर दो ना। आओ ना, हिसाब कर दो ना। आओ, आओ। इधर आओ, हिसाब जोड़ दो हमारा। ये देखो, ये क्या लिखा है? चार ऊपर 20। ठीक है ना? मानी, सुबह से गए अब आ रहे हो? कहाँ गए थे दिन भर? दही भी खट्टी हो गई होगी। उस दिन से अक्सर सती का हिसाब करने में मदद किया करता और गणित में यकायक मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। सती भी पता नहीं क्यों अपने मित्रों में मेरी भी गिनती करने लगी। राम राम सेठ जी। राम राम सेठ जी, हमारा ये साबुन अपनी दुकान में रख लो, चमन ठाकुर का चक्कू छाप खास धुलाई का साबुन है। साबुन तो क्या, मैं तो साबुन वाली को भी दुकान पर रख लू। साबुन वाली को दुकान में रख और ये चक्कू रख अपने सीने में। कमीने, पागल हो गई क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे ये समझ आप पसंद नहीं है। अच्छा माफ कर मेरी माँ, गलती हो गई। गलती का बच्चा, आगे से ऐसी गलती मत करना साला बदमाश। मैं तो पहली वाली अपने घर वाली को ही नहीं रख पाया, वो बाकी चौकीदार के साथ। बाप रे बाप, बड़ी बहादुर, बड़ा बदतमीज था वो। अरे मैं किसी से गलती नहीं हूँ। कमाल कर दिया तुमने लेकिन। अरे क्या कमाल कर दिया, वो कुछ और कहता ना तो ये चक्कू सीधा उसके सीने में घुसेड़ देती। समझता क्या आपने आपको वो? जयराम जी की। जयराम जी की। बैठो बैठो माणिक बाबू, स्कूल से आ रहे हो? जी। कौन सी क्लास में हो आजकल? 11वीं में। पास होकर क्या करोगे बाबू? चाहता तो हूँ कि आगे पढ़ूं लेकिन भैया कहते हैं कि सरकारी नौकरी में लग जाओ मेरी तरह। सरकारी नौकरी तो बहुत बढ़िया रहेगी। लाल साहब के दफ्तर में बैठोगे, सब सलाम करेंगे, खूब ठाट रहेंगे तुम्हारे। अंग्रेजी में है जी।
माणिक बाबू जरा टाइम हो तो हरधन स्टोर का हिसाब किताब देख लेना। हाँ बाबू, अब तक तो नकद दिया है, लेकिन लाला कहता है कि उधार दोगे तो ज्यादा खपत रहेगी, उस पे भरोसा करूं या नहीं, बहुत चंच होते हैं ना ये लाला लोग। लेकिन बाद में पूरे पैसे नहीं चुकाए तो? वही तो मैं कहूँ, लेकिन चाचा तो उधार देने पर तुला है, कहता है कि सबसे बना के रखो तो मंडी में अपनी खूब धाक रहेगी। टाइम फूल, माणिक बाबू से फालतू की बात करती रहती है, जा मेरा हुक्का चार्ज करके ला। अरे जा ना। माणिक बाबू, सुना है तुम कविता करते हो जो अखबार में छपती है? ऐसा ही थोड़ा बहुत। तो सुनाओ। सुना ना। तुम जगी सुबह या जगा तुम्हारे पलकों बीच विहान, पुलकित पलकों की प्रिय पाखुरियों पर लो सहसा ढलक गई शबनमी नजर, अंगड़ाई ली वो चले पवन गूंजे भवरों के गान। माणिक बाबू, इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई कविता हुई? तुमने बन्ना सुना है, हिंडोला सुना है? मैं सुनाती हूँ। निमिया का पेड़ जीनी काटे हो बाबा, निमिया बसेरा चिरैया हो, बिटी आई जीनी को दुख दे बाबा, बिटी आता जैसा चिरैया हो, बिटिया ता जैसा चिरैया, उड़ी उड़ी जई है सबेरे चिरैया, रही जई है अकेली हो निमिया हो, बिटिया जई है हो सासुर सबेरे, रही जई है अकेली हो मैया हो, बिटिया तजई सं चिरैया हो, बिटिया तजई सं चिरैया। उसके बाद काफी दिनों तक मैंने उसे देखा नहीं, मैं पढ़ाई में लग गया और 12वीं का इम्तिहान किसी तरह पास भी कर लिया। सती, मैंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। पास हो गए? तुम पास हो गए? आज पास हो गए तो चलो चलो तुम्हें मिठाई खिलाती हूँ। खाने के पेड़े देना। चलो। घुटने टेको और प्रणाम करो। माई, माणिक बाबू को आशीर्वाद दो, इन्हें बड़ा बाबू बनाकर लाल साहब के दफ्तर में बिठाओ। प्रणाम करो। जब तुम लाल के दफ्तर में बैठोगे ना माणिक बाबू, तो एक दिन तुम्हें देखने जरूर आऊंगी। मुझे तो आगे पढ़ना है, भैया खर्चा देने को तैयार ही नहीं, समझ में नहीं आता क्या करूं। बड़ी तमन्ना थी तुम्हें लाल के दफ्तर में बैठा देखूं। खैर तुम फिक्र मत करो, अगर मैं यहाँ रही तो तुम्हें रुपया जरूर दूंगी, और अगर कहीं चली गई तो भी कुछ ना कुछ तो करूंगी। कहाँ जाने वाली हो? क्यों, चाचा मेरा ब्याह नहीं करेंगे? तुम
कैसे हो चमन ठाकुर? अरे मैसर सेठ, आओ आओ बैठो बैठो। देखो सत्ती के लिए चांदी के गहने लेकर आया हूँ। अरे सत्ती सत्ती, अरे ये ले चांदी के गहने। नहीं चाहिए मुझे इसके गहने। अरे पोटली तो खोलो। हाँ ले। अरे बहुत बढ़िया है, तो देख तो सही, नखरा कर रही है। ये तो गिलट के हैं मैसर सेठ, चांदी के नहीं है। ले ले ब्लडी फूल ले ले। ठीक है, अगली बार असली चांदी का बनवा दूंगा। मैं तो ये पूछने आया था कि वो जो मैंने पेशगी दी थी माल कब मिलेगा। अरे जी चाहे जब उठा लो। ठीक है, मैं कल आदमी को भेजता हूँ, ले जाएगा, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। हाँ। तो चमन ठाकुर बात पक्की हो गई। पक्की तो दे यार। तो चलो जाकर अपने साझेदारी पर मोहर लगाते हैं। चलो चलो। अरे महेश्वर सेठ, देरी हो रही है, जल्दी करवा। हाँ आया आया। अरे चलो ना। अरे आ चलो जल्दी। तेरे से जाना बगियन में रे, बेटी खाना खिलाओ। चूल्हे के पास रखा, खा लो। अरे तू भी हमारे साथ बैठ के खाना। खोल ना सत्ती, मेरी गुलाब की पत्ती खोल, भूख लगी है, दे देना थोड़ी दे दे। साली ये तो दिल लगी भी नहीं करने देती। खोल खोल। सत्ती बाबू, तुमने तो नोट लिया का दिमाग खराब कर दिया है। नखरे तो देखो इसके, अगर इस डैम फूल को उठाकर पालता पोसता नहीं तो चील गिद्ध लोट के खा गए होते। अरे वही अच्छा होता जो चील और गिद्ध खा गए होते। तू तो मुझे टुकड़े टुकड़े करके बेच खाएगा, हराम की खाएगा, हराम की। सुना सुना कैसी मशीन कैसी जबान चला रही है बाबू ये? क्या मैं इसका चाचा नहीं हूँ? मैं इसकी भलाई नहीं चाहता क्या? अरे बड़ा चाचा बनता है इसलिए मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि भड़वागिरी करे। बाबू इसकी नजर में खोट आ गया है, खोट। पर मैं किसी से डरती नहीं, ये चक्कू है ना मेरे पास, चक्कू। चाचा ब्लडी बास्टर्ड, चलो मैं पास बास्टर्ड। अरे जा, आते कि तेरे जैसे। मैं बहुत कचास करके दे। कमीनी गोली मार दूंगा तुझे। बहुत से आंखें दिखा दिए। अरे गोली। संगीत के दर्द में कर दूंगा तेरे। अरे चार। मानिक बाबू। मानिक बाबू मत आना मेरे यहाँ कभी। वो चमन ठाकुर कहता है तुम्हें जान से मार देगा, सुबह से पी रखी है उसने। बाबू बाबू तुम्हें मेरी मांग की कसम बाबू, मेरी फिक्र मत करो, चक्कू है ना मेरे पास। जानते हो वो बुढ़ा खूसट माहिजरा कहता है मुझसे प्यार करेगा। कौन थी लड़की? चमन ठाकुर की भतीजी सती। ये तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, किसी ने कुछ कहा। देखो मानिक, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन तुम अब बच्चे नहीं रहे,
दुनिया देख कर चलना चाहिए। इन छोटे लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं, ये लोग बहुत गंदे और कमीने होते हैं। हमारे खानदान का इतना बड़ा नाम है, तुम क्यों उसे डुबोने पर तुले हो? खबरदार जो आज के बाद उस लड़की से मिले। तुमने ही बिगाड़ रखा इसे, मैं तो कहूं आज ही इसे काम पे लगा दो। आप जानती कि मैं आगे कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं, बिना बीए डिग्री के ढंग की नौकरी नहीं मिलने वाली। तो पढ़ो, कौन रोक रहा है, पर हमसे एक पाई नहीं मिलने वाली। मैं कर्जा लेके भी पढ़ सकता हूं। और तुम्हारे भैया का तबादला हो गया तो हम तुम्हें साथ ले जाने वाले नहीं। फिर इस घर को देखने वाला भी तो कोई चाहिए, इसे काम पे लगा दो जैसे तन्ना को लगाया था। पढ़ाई और नौकरी एक साथ कैसे करूंगा, बिना डिग्री के मैं नहीं काम करने वाला। मानिक बाबू, मानिक बाबू, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मानिक बाबू, जो होना था सब हो गया। तूने वैसे से शादी कर ली? अरे वो तो शादी करे मेरी जूती। तो फिर क्या हुआ? कल रात मेरा चाचा उस खुशत को फिर घर लेकर आया। दोनों कमीनों ने देर रात तक शराब पी। चमन ठाकुर, हाँ ये ले 1,000 रुपए बराबर पूरे हैं ना? अरे तो क्या आधे दूंगा, दे दे मेरे पास ये चीज। ये ले कानूनी पर्चा। हाँ आज से शक्ति तेरी। अरे जीव जीव जियो तुम। मुर्दे जैसे बेहोश पड़ी रही। उसके बाद पता नहीं महेश्वर ने मेरे साथ क्या किया। उसने मुझे अंगूठी पहना दी। तुम उदास हो गए? मेरे कारण तो नहीं। लो फेंक दी। भाभी से खटपट हो गई, कहती आगे पढ़ने को एक पाई भी नहीं देगी। लो इसे फीस भर दे दो, आगे का खर्चा भी जो होगा मैं संभालूंगी। हाँ नहीं, मैं तुमसे नहीं ले सकता। क्यों मुझसे नहीं ले सकते? नहीं मैं समझ गई, पर तुम बताओ मैं क्या करती। मैं क्या करती, तुम कोई रास्ता बताओ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है मानिक बाबू, और कोई नहीं है। किसे अपना सुख दुख सुनाऊ? नसीब रूठ गया तो तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे मानिक बाबू? मेरी क्या गलती है? मेरी गलती बताओ, मैंने क्या किया मानिक बाबू? मुझे जाना है, जाने दो मुझे। मेरी कसम, तुझे कह दिया ना, जाने दो मुझे। अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं मैं जा रही हूँ, घबराओ नहीं मैं जा रही। मगर ये हमारी आखिरी भेंट नहीं थी। मानिक बाबू, मानिक बाबू, मानिक बाबू, मानिक बाबू, मानिक बाबू, मानिक बाबू, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं ऊपर आ रही हूं।
किसी तरह से मैं सर दलाल और चमन ठाकुर को चकमा देकर आई हूँ। सारे गहने कपड़े लगते हैं इस कचरी में। अब गंगा में डूब मरूंगी पर वहां वापस नहीं जाऊंगी। मुझे कहीं ले चलो, मैं मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, कुछ भी करूंगी, तुम्हारे भरोसे पे आई हूँ। अच्छा तुम यहाँ रहो, इस यहाँ निकलना नहीं तुम यहाँ से। हाँ मैं देख के आता हूँ यहाँ पे कोई है कि नहीं। भैया उठो भैया। क्या सती भाग कर आई है? चमन ठाकुर ने उसे महेश्वर दलाल के हाथों भेज दिया, वो उधर रसोई में है। रसोई में। अच्छा तुम ऐसा करो, उसे वहीं रसोई में बैठे रहने दो। हाँ? मैं चमन को लेके आता हूँ। अब जल्दी से निकल चलो मानिक बाबू, नहीं तो महेश्वर दलाल और चमन ठाकुर आ पहुंचेंगे। अब रुक जाओ, सड़क पर आना जाना थोड़ा कम हो जाए फिर निकलते हैं। हाँ और अभी इस वक्त कोई रेलगाड़ी भी तो नहीं है। अगर तुम फौरन नहीं निकले तो आज या तो मेरी जान जाएगी या किसी और। अच्छा ठीक है, आधे घंटे बाद निकलते हैं। हाँ मैं तब तक अपना सामान बांध लेता हूँ। कहाँ चलेंगे? काशी ठीक रहेगा। तुम किसी को जानते हो वहाँ? मुझे नौकरी दिलाओगे पर मैं अकेली नहीं रहूंगी वहाँ। चलाल की हिम्मत कैसी हुई है? अरे पैसे दिए हैं को मुफ्त में नहीं लिया इसको। देखता हूँ। किधर? मैं सर जी ये यहाँ पे इसका। हाँ तुम जाओ ना। अरे तू आ गया हो ना। मानिक तू बाहर आ जा। मानिक बाहर आ जा। मानिक उसे छोड़ दे, तू बाहर आ जा। मानिक तू बाहर आ जा। मानिक तू छोड़ उसे, तू बाहर आ जा। संभाल के रख लो, कल सवेरे चमन के यहां पहुंचा देना। अरे भाई क्या हुआ? आज सुबह जब मैं गंगा स्नान को निकला तो मैंने रास्ते में एक टांगा देखा था, ऊपर तक सामान से लदा हुआ। उसमें आगे चमन ठाकुर बैठा था और पीछे सफेद चादर से कुछ ढका हुआ था। लेकिन जब मैं घाट पर पहुंचा तो मैंने उसी सफेद चादर में लिपटी हुई एक लाश देखी। मैं लोगों को लेने के लिए दौड़ा लेकिन जब तक वापस आया तब तक तो लाश गायब। हो सकता है उसे मारकर भगा दिया हो। मुझे लगता है शायद चमन ठाकुर और महेश्वर दलाल ने मिलकर रात को सती का गला दबा दिया होगा और सुबह लाश को गंगा में बहा दिया होगा। यह भी हो सकता है, वो है ही कमीने। फिर क्या भावा? भैया का तबादला हो गया और मुझे नौकरी करनी पड़ी। वास्तव में उसी जगह पर नियुक्त हुआ जो तन्ना के मरने पर खाली हुई थी। अब यहां अपने खानदानी मकान की देखरेख कर रहा हूं। इस समय मित्रों के बीच बैठा हूं जो एक और कहानी सुनने को इच्छुक हैं। नहीं नहीं अब कहानियां बस हुई, क्योंकि आप हर बार अपने आप का हीरो बनाकर नहीं दिखा सकते। खातिर ऐसा कहां किया यार? बिल्कुल यही किया। यमुना ने इन्हें तन्ना की जगह चाहा, हुआ से भागे। लिली ने सच्चे दिल से प्यार किया, हुआ भी जिम्मेदारियों से साफ दामन छुड़ा ली और सत्ती के मामले में तो हदी कर दी। लेकिन ये बात सच है कि मैंने कभी पहल नहीं की।
ये तो भरम है आपका। हाँ, हर बार कन्नी जरूर काट गए आप। चाकू तरबूज पर गिरा तो, पर चाकू का कोनो नुकसान नहीं हुआ। सती को मैंने दगा दी, इस बात ने मुझे बहुत सताया। इतना घबराता नहीं तो शायद वो बच सकती। उसकी मृत्यु के बाद मेरी कविता में भी मृत्यु की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी। कुछ याद हो तो सुनाओ मुल्ला भैया। मैं क्या जिया, मुझको जीवन ने जिया। बूंद बूंद कर पिया, पीकर पथ पर खाली सा छोड़ दिया। आगे भूल गया, आज के लिए इतना ही काफी है। चलो, मुझे काम पर भी जाना है। अब जाते जाते नुक्कड़ पर एक एक प्याला चाय पिला दो, उनके बाद चले जाना। चलो चलो। माणिक बाबू, माणिक बाबू, जब आप कहानी सुना रहे थे तो पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। ख्याल आए तो मैं क्या करूं? चलो, तो आप तो मेरी बात सुनते नहीं। अच्छा बताओ, हाँ बताओ, क्या ख्याल आया? मैंने देखा कि आकाश के बीच एक चिमनी से निकलने वाले धुएं की तरह एक सतरंगा इंद्रधनुष आहिस्ते आहिस्ते उगने लगता है। फिर बाईं ओर से दो सुलगते होंठ और दाईं ओर से दो कांपते होंठ दोनों इंद्रधनुष के नजदीक आके रुक जाते हैं। ये माणिक और लीली के होंठ थे। फिर देखता हूँ जमीन पे एक हाथ गाड़ी जिसे महेश्वर दलाल घसीट रहा है, उसमें बच्चे हैं, लिली का बच्चा, सत्ती का बच्चा और जमुना का बच्चा। फिर चमन ठाकुर का कटा हुआ हाथ अजगर की तरह रेंगते हुए आता है और बच्चों का गला दबाने लगता है। फिर देखता हूँ कि होंठ और धीरे धीरे नजदीक आने लगते हैं। जैसे होंठ नजदीक आते हैं तो तन्ना के दोनों कटे हुए पैर राक्षस की तरह उन बच्चों को कुचलने लगते हैं। औरतें रोने लगती हैं, माताएं सिसकने लगती हैं, जमुना, लिली और सती तीनों। फिर देखता हूँ कि अचानक काला चाकू आकर, जैसे होंठ आपस में मिलने वाले होते हैं तो काला चाकू आके इंद्रधनुष को बिल्कुल काट देता है और बस वो दोनों होंठ पके हुए एक लोथड़ी की तरह कच्चे और जमीन पे आके उछलने लगते हैं। देखता हूँ चीले चीले चीले, अनगिनत चीले, टिड्डियों की तरह। शाम, तुम अक्सर ऐसे दृश्य देखते हो? इसका मतलब है प्रकृति ने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना है। और तुम अपने सपनों को कहानी के रूप में बदल कर सरल भाषा में सबके सामने रख दोगे। लेकिन सपनों की कहानी काहे बनाई जावे, उन्हें अपने तई रखे। कहानियों में सपनों की तरह असलियत को मोड़कर हम अपनी मनोकामनाएं जो पूरी कर लेते हैं। कहानी तो सत्य और असत्य का अजीब मिश्रण है, जिसके जरिए इंसान जो जो है, जो बनना चाहता है, जो बन सकता है, सब एक ही माध्यम से दर्शा सकता है। तो मुल्ला भाई, उस तरह की प्रेम कहानी क्यों नहीं सुनाते? मगर इनकी कहानियों में प्रेम था ही कहां। क्यों, तो ऐसा लगता है तो ठीक है, चाहो तो इन्हें नेति प्रेम कहानियां कह लो। और जैसे उपनिषदों में लिखा है, ये भ्रम नहीं है, ये भी भ्रम नहीं है, वो भी भ्रम नहीं है, उसी तरह इन कहानियों में वो प्रेम नहीं था, ये प्रेम नहीं था, ये भी प्रेम नहीं है। और इस तरह जिंदगी प्रेम की तलाश में गुजर जाती है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज है जो आगे बढ़कर हमें रोशनी की ओर जाने की प्रेरणा देती है। और हम उसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे सात घोड़े सूर्य को आगे ले चलते हैं, और जो इन घोड़ों में सबसे छोटा होता है, सबसे पीछे वाला घोड़ा, उसे भविष्य का घोड़ा कहते हैं, सूरज का सातवां घोड़ा। बाबूजी, चिरैया
उसके बाद माणिक बाबू गायब हो गए, पता नहीं उनका क्या हुआ, लेकिन मैं आगे चलकर लेखक जरूर बन गया।